अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, हाथ पाँव को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं हम। चावल कप में चावल लौंग और पाउडर डाल के ऐसे कौन से टिप्स तैयार कर रहे हैं। मोटे मोटे कपड़े धोने के लिए अब हमें पानी और सर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े से स्मेल हम देखें कितनी झटपट दूर कर देंगे। ब्रश को किस तरह क्लीन कर सकते हैं हर हफ्ते, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। चलें टिप्स नंबर वन की तरफ। टिप्स नंबर वन ये देखें, एक टमाटर को लेकर। टमाटर हर घर में रोज़ ही सालन में यूज़ होते हैं, इसके बगैर कोई सालन तो बनते ही नहीं है। तो बस आप अपने एक वेज बॉक्स में से एक छोटा सा टमाटर निकाल लीजिए, इसे हाफ़ कट कर लीजिए और हाफ़ सालन में डाल दीजिए। ये देखिए हाफ़ मैंने कट कर लिया है इसको, और मैं इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये देखिए अच्छे से बेकिंग सोडा मैंने टमाटर के ऊपर रब कर दिया। अब मैं इसे अपने हाथों के ऊपर रब करूँगी। ये देखें एक आधे ही टमाटर से आपके दोनों हाथ पाँव बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। ये देखें एक 10 मिनट तक मैं एक हाथ करूंगी, फिर इस पर दोबारा मैं इसी टमाटर पर बेकिंग सोडा डाल के दूसरे हाथ को रब करूंगी। इस तरह 10 मिनट तक हम इसे लगे रहने देंगे और फिर हाथों को वॉश कर लेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए तो मैंने लगा के छोड़ दिया। अब मैं इसे आपको वाइप से साफ़ करके दिखा रही हूँ, इतना वाजह फ़र्क आपको नज़र आएगा मैं बता नहीं सकती। ये देखें आजकल वैसे सर्दी और शादी के सीज़न है, आप लाजमी मेरी इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी ये रेमेडी बताइएगा। चले आए टिप्स नंबर टू की तरफ। टिप्स नंबर टू में ये देखें टीथ ब्रश के हवाले से, ये देख रहे हैं आप टीथ ब्रश हम हर तीन महीने में चार महीने में चेंज कर ही देते हैं, लेकिन इसे हर हफ्ते क्लीनिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारे दांतों को साफ़ करते हैं, तो इन्हें भी साफ़ करने की ज़रूरत है। तो इन्हें साफ़ करने के लिए मैंने एक बाउल में नीम गर्म पानी ले लिया है। ये देखें अब मैं इसमें क्या डालूँगी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो हर घर में यूज़ होता है, इसमें मैं डाल के अच्छे से मिला लूँगी। और इसके अंदर मैं वेनेगर वाइट सिरका, ये मैंने कप में निकाल लिया था, मुझे दो तीन चीज़ें और भी रेमेडी शेयर करनी थी आपसे, तो मैंने एक ही दफ़ा ये देखें इसमें मैंने 4 चम्मच के करीब डाल दिए, छोटे वाले चम्मच, और मैंने इसमें भिगो दिए चारों ब्रश, क्योंकि बाउल में आने थे, मैंने कप में सारा पानी डाल दिया और इसमें अपने चारों ब्रश भी मैंने इसी में भिगो दिए। अब मैं 15 से 20 मिनट इसे छोड़ूंगी, फिर आप देखिएगा पानी कितना मेला हो गया। फिर मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से रगड़ लूँगी और साफ़ पानी जो मैंने बाउल में रखा है इसे क्लीन कर लूँगी। आप हर हफ्ते ये करें और मुझे लाजमी बताइएगा आपके कितने अच्छे ब्रश साफ़ हो जाएंगे। जब तक मैं ब्रश वॉश करूँ आप दिल्ली से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की अप्रिशिएट और तावन की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोग की वजह से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आप लोग देखें मेरी वीडियो को, पसंद करें, मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें प्लीज़। आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, लाजमी मुझे सब्सक्राइब करें। और बोलने वगैरह में अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं वो अपनी गलती सुधार सकूं। ये देखें जब तक मैं ब्रश वॉश कर रही थी, ये देखना कितना अच्छा ज़बरदस्त वॉश हो चुका है। अब आप इसे मुझे वीडियो बनाई तो मैंने इधर ही कर लिया वॉश, आप वॉश बेसन में भी कर सकते हैं जाके। ये देखें टिप्स नंबर थ्री हमारी बेलन के हवाले से। ये देखें रोटी पकाते हुए अक्सर बेलन रोटी से जिस तरह मेरा चिपक गया चिपक जाता है, जिसकी वजह से बेलन भी गंदे हो जाते हैं, पूरे आटे ही आटा और हाथों पे भी हमारे आटे ही आटा हो जाता है, चिपक जाता है। बेलन से आटा दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी टिप, बेलन को रोटी पकाने से 10 मिनट पहले अच्छे से आग पर सेक लें, इसके बाद आप अपनी रोटी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रोटी बनेगी, नहीं चिपकेगी नहीं कुछ ख़राब होगी, और गोल गोल मिनटों में आपकी रोटी बनेगी। मिनटों का काम, घंटों का काम मिनटों में ही हो जाएगा। आप चलें टिप्स नंबर फोर की तरफ। टिप्स नंबर फोर ये देखिए टूटे हुए कप के हवाले से। अक्सर हमारे घरों में टब कप टूट जाते हैं तो हम उसे उठा के फेंक देते हैं क्योंकि ये हमारे कोई काम के नहीं देते। तो अब इस टूटे हुए कप से आपको ऐसे कौन से बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एक टूटा हुआ कप आप ले लीजिएगा और इसमें 5 से 6 अदद लौंगी शामिल कर दिए, और हेड वाली जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, हेड वाली लौंगी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये मैंने ले ली हैं 5 से 6 लौंगे और एक मुट्ठी के करीब चावल। चावल में आप कोई सा भी टेलकम पाउडर मिला दें जो आपके घर में हो, इस टूटे हुए कप में तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिला लें। अब कप को हम कवर करने के लिए तो मैं तो वाइप्स ले रही हूँ, अगर आपके पास टिश्यू है टिश्यू ले लें, या फिर कोई जो हमारे घर में शॉप पर आती है सामान लेके सब्ज़ी वगैरह, आप वो भी काट के इसके मुंह पे कवर कर सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में कर रही हूँ रबर बैंड के ज़रिए। देखिए मेरे पास टिश्यू था तो मैंने टिश्यू से इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब मैं इसमें बड़े बड़े होल्स बना लूँगी।
अब इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी कितना ज़बरदस्त इसका यूज़ है। मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। आप भी ये टिप्स लाजमी यूज़ करें और मुझे बताइएगा लाजमी तौर पर कि आपको कैसे लगे इसके बेनिफिट्स। ये देखें, मैंने बड़े बड़े हॉल्स बना लिए ताकि पाउडर की और लौंग की खुशबुएँ वो आनी शुरू हो जाए, और अभी से ही आने लगी मैं जब मैंने इसमें हॉल्स बनाए। अब इसको आपको रखना कहाँ है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। ये देखिए, आइए, ये कपड़ों से भरी हुई अलमारी है। आपके घर में भी होगी, लाजमी सी बात है, हर घर में अलमारियाँ होती हैं, ऐसे इसमें कपड़े होते हैं फैंसी। ये देखिए, मोटे मोटे भी सर्दियाँ हैं तो ये सारे ऊपर ही हैं क्योंकि पहनने में आते हैं, शादी ब्याह का सीज़न है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस खाने में ये कप रख दें। अब आपके कपड़े से जो महक आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल से आने लगती है, बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है, तो चावलों में नमी जब्स करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद होती है। चावल कपड़ों से नमी दूर कर देगा और लौंग और पाउडर, इसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आने लगी इस कपड़ों को। आपको बार बार कपड़े धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कपड़े धोने का काम सर्दियों में बहुत ही जानलेवा होता है। अब आप कपड़े धोने की झंझट से बच जाएंगे क्योंकि मोटे मोटे कपड़े रोज़ नहीं धोए जाते क्योंकि ये एक आध दफ़े यूज़ में आते हैं। आप मेरी इस टिप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।